नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम बात करेंगे जीवन के एक ऐसे सुख की जिसको हासिल करना हर दंपत्ति का ख्वाब होता है। वो सुख है संतान का सुख। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि दंपत्तियों को संतान का सुख नहीं मिल पाता। ज्योतिष में संतान सुख का न मिलना ग्रहों के कारण भी कई बार माना जाता है। तो आज हम आपको ग्रह नक्षत्र के कारणों से आने वाली मुश्किलों को दूर करने के उपाय बताने जा रहे हैं। माता पिता के भाग्य का संतान से क्या है संबंध? किन ग्रह बाधाओं के कारण संतान होने में आती है बाधा? क्या आप जानते हैं संतान के सुख और बृहस्पति ग्रह में एक गहरा संबंध भी है? संतान सुख पाने के सरल उपाय बताएंगे आपको हमारी खास पेशकश में। बच्चों की खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, उनका रोना बिलखना, जिद करना, ये वो खुशी है जो बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है। ये वो खुशी है जिसका एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपके आंगन में गूंजेंगी किलकारी, आपकी संतान होगी कल्याणकारी। संतान की कामना अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, संतान सुख में अगर बाधाएं आ रही हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप संतान सुख हासिल कर पाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि संतान होने के योग और ज्योतिषी का संबंध दरअसल है क्या। कुंडली का पांचवां, नवा और ग्यारहवां भाव संतान से संबंध रखता है। सप्तम भाव भी गर्भ का भाव है। इन भावों की स्थिति खराब होने पर संतान होने में समस्या आ जाती है। बृहस्पति संतान कारक होता है। इन तमाम चीजों को देखकर ही संतान के बारे में जान सकते हैं। संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। भगवान कृष्ण की उपासना संतान प्राप्ति के लिए अचूक मानी जाती है। छोटे छोटे सरल उपायों से संतान प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अगर विवाह के काफी समय बीत गए हो और संतान सुख न मिल पा रहा हो तो ये किसी भी दंपत्ति के दुख का कारण होता है। कई बार कई सालों तक संतान सुख नहीं मिल पाता है क्योंकि कारण भी समझ में नहीं आता, इसलिए उपाय भी नहीं हो पाता। तो क्या माता पिता के भाग्य से है संतान का संबंध? देखिए, जब दो व्यक्तियों के माता और पिता दोनों के संयोग से ही संतान उत्पन्न होती है, दोनों के ग्रह ठीक मिल रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपस में टकरा ना रहे हो, तो संतान सुंदर आती है, संतान भाग्यवान होती है और संतान प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है। और माता पिता के दोनों के ग्रहों का असर उस संतान के ऊपर पड़ता है, गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी पड़ता है, पर गर्भ में बीज आना, संतान का आना भी उन दोनों के ग्रहों से ही पड़ता है, तो उनके ग्रहों का तो सीधा सीधा संतान के भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता के पूर्व पुण्यों से ही संतान का जन्म होता है। माता पिता के पुण्य ही संतान का सुख दे सकते हैं। माता पिता के कर्म और संस्कार संतान के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। उनकी प्रार्थना और आशीर्वाद संतान के जीवन को बदल सकती है। संतान सुख कौन नहीं चाहता, सभी अपनी संतान में अपनी झलक देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। कई बार संतान सुख से कई दंपत्ति वंचित रह जाते हैं। कुंडली में लान के समय पहले अनुभव किया जाता है कि नाड़ी दोष बहुत अधिक माना जाता है कि संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि दोनों लोगों का संतान भाव कहीं पीड़ित तो नहीं। उससे पूर्व ये भी देखना आवश्यक है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव बना रहे, षडाष्टक आदि योग ना हो, दोनों के सप्तम भाव पीड़ित ना हो। क्योंकि अगर प्रेम ही नहीं रहेगा, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही नहीं होगा, संतान की तरफ दोनों सोचेंगे ही नहीं। कुंडली मिलान के समय देखा जाए
तो संतान की बाधा प्रथम तो दृष्टया वहीं समाप्त हो जाती है। दूसरा, फिर दोनों के दाम्पत्य जीवन के पश्चात संतान भाव में पीड़ित है, पितृ दोष अगर कहीं प्रकार से बना है, पितरों के आशीर्वाद के बगैर संतान गर्भ में आना असंभव है। पितरों की कृपा है तो भाग्य में नहीं है, तो उसे ही संतान प्राप्त हो जाएगी। पितरों की कृपा अनंत है। बृहस्पति कमजोर हो या राहु का प्रभाव ज्यादा हो, हरे वृक्ष कटवाने से, बड़ों का अनादर करने से और अकारण गर्भपात करवाने से, घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगाने से, गुरु चांडाल दोष या नाड़ी दोष होने से, किसी ऋण के बाकी होने से, अगर घर में पौधे सूखने लग जाएं या दीवारों पर सीलन आए, तो संतान योग में बाधा आ जाती है। हर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि उनकी संतान प्रतिभावान हो, संतान में वो सभी गुण हो जो संसार में अपने कुल और माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बृहस्पति की वजह से भी आपको संतान सुख नहीं मिल पाता है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुभ कर्म होगा वो गुरु के संयोग से ही होगा। गुरु की दृष्टि सदैव शुभ प्रदा है। गुरु अगर संतान भाव को देखता है या गुरु दाम्पत्य जीवन के घर को देखता है, तो अगर कुंडली में कुछ ऊपर नीचे ग्रह भी हैं, कुछ गुणों में कमी भी है, तो भी गुरु की दृष्टि से, गुरु के शुभ प्रभाव से उन लोगों के जीवन में विवाह होना, संतान प्राप्त होना, भाग्योदय होना, अच्छा उच्च पद प्राप्त होना, धार्मिक स्थलों की यात्रा होना, सब गुरु के अच्छे फल कहे गए हैं। ज्योतिष में बृहस्पति को संतान का कारण मानते हैं। बिना बृहस्पति के ना तो संतान होती है और न ही संतान सुख मिलता है। बृहस्पति की उपासना करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, या बृहस्पति के दिन किसी गुरु की उपासना से भी इस समस्या से निजात मिल सकती है। संतान सुख मिलना या ना मिलने ये ऊपर वाले के ही हाथ में है। लेकिन ज्योतिषियों का कहना है कि ग्रहों के कारणों की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, उनको खास उपाय से दूर किया जा सकता है। कई बार कुंडली के कुछ अशुभ योगों की वजह से भी संतान सुख मिलने में समस्या आती है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आपकी कुंडली पर ग्रहों का असर संतान सुख में रुकावट ला सकता है। सब कुछ आम दिखता है, लेकिन फिर भी संतान सुख में दिक्कत आती है। उस परिस्थिति में आप कैसे बच सकते हैं और उसके हल के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए इस बारे में एक खास ज्योतिषीय उपाय आपको बताते हैं। संतान सुख, ये सुख हर वो दंपत्ति चाहता है जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कई बार अलग अलग परिस्थितियों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाता। ज्योतिषी इस विषय पर अपनी अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं कि शारीरिक कारणों को छोड़ दें तो कई ज्योतिषीय कारणों की वजह से भी संतान सुख मिलने में बाधा आती है। सबसे पहला तो सरल है, अपने पितरों को मना के रखें। आप पूजा पाठ तो जो करा रहे हैं वो बाद की बात है, अपने जीवित माता पिता को शिव पार्वती के समान मानते हुए उनका अगर पूजन करते हैं तो उनके आशीर्वाद से निश्चित आप लोगों के जीवन की संतान संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अन्यथा माता पिता जिसके जीवित ना हो या दूर रह रहे हो, वो गाय की सेवा अवश्य करे। भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करके बृहस्पति की वस्तु जैसे चने की दाल आदि हो गई, पीले केले हो गए, और इनको चढ़ा देने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना, अमावस्या के दिन अन्न या मिठाई कुछ पितरों के नाम से दान करना, आपके जीवन की ही नहीं, संतान संबंधी बाधाएं ही नहीं, हर प्रकार की बाधाएं दूर करने में सक्षम है। कई बार कुंडली में मौजूद ग्रहों की वजह से संतान सुख मिलने में या तो देरी होती है या नहीं मिल पाता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति संतान सुख दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्थिति में ज्योतिषी खास उपाय बताते हैं।
ज्योतिष स्पष्ट निर्देशित कर देता है, दिशा दिखा देता है कि यहां ये दोष आ रहा है, इसके प्रभाव से हो सकता है संतान देर से मिले अन्यथा ना मिले, या रोगी संतान ना मिले, तो उसका उपचार बताए गए हैं जो विवाह पूर्व या विवाह के समय कर लेने से, विवाह पश्चात कर लेने से संतान निश्चित प्राप्त होती है और संतान में अगर कोई दोष है तो वो दूर हो जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक अगर विवाह के 5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें। पति पत्नी नित्य प्रातः ओम क्लिंग कृष्णाय नमः का 108 बार जाप करें। पत्नी नित्य साय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। संतान सुख न मिल पाने के ज्योतिषीय कारण तो होते ही हैं, अक्सर इसके मेडिकल कारण भी होते हैं। अगर संतान सुख मिल पाने में किसी तरह की चिकित्सीय दिक्कतें आ रही हैं, नित्य प्रातः ओम हौं जूं सह का 108 बार जाप करें। पति पत्नी नित्य प्रातः ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते और बीज खाएं। सर्दियों में तिल के दानों का सेवन भी लाभकारी होता है। संतान सुख पति पत्नी ही नहीं कुटुंब और रिश्तों को जोड़ता है, साथ ही संस्कार और परंपराओं को कायम रखता है। अगर संतान विलक्षण हो, प्रतिभावान हो और चारों ओर नाम और यश मिलता है, ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इन सहज और सरल उपायों से आपको संतान का वरदान मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतान होते हुए भी संतान से सुख नहीं मिल पाता। माँ बाप के तमाम जतन प्रभावहीन साबित होते हैं। संतान से सुख की उम्मीद लगाए बैठे माँ बाप को निराशा ही हाथ लगती है और कई बार माँ बाप को अपनी संतान को लेकर तनाव भी रहता है। ऐसे में आप कौन सा विशेष उपाय अपना सकते हैं, अब देखिए। ग्रहों की स्थिति हमारी जिंदगी में हमें तमाम तरह के तनाव देती है। एक मानसिक तनाव ऐसा भी जो व्यक्तिगत न होकर संतान से जुड़ा होता है, जैसे उसकी सेहत को लेकर या फिर उसके विवाह को लेकर। कई बार माँ बाप को अपनी संतान को लेकर तनाव रहता है, चाहे वो तनाव उनके भविष्य को लेकर हो या फिर उनके विवाह को लेकर। संतान को लेकर तनाव तभी होगा जब व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होगा। ऐसे में देखिए, गुरु जो कि है ना पिता बाबा आदि का, सूर्य पिता का, चंद्रमा माता का और बुध बुआ का कारक है, ये कहीं राहु केतु अथवा शनि से दृष्ट या उसके साथ ग्रसित तो नहीं है? यदि ऐसा है तो यकीनन आप पितृ दोष से पीड़ित हैं। अगर इसकी पितृ दोष की पूजा कराते हैं, 3 स्थानों पर विशेष फलित है, गया में, नारायणीशिला हरिद्वार में और बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में, तो आप ये निश्चित समझिए पितृदोष दूर होगा और आपके संतान की बाधा दूर हो जाएगी। तनाव होने का अर्थ ही है कि संतान प्राप्ति न होना। प्रयास करने के बाद भी या संतान का जब योग बने तब कहीं ना कहीं वह संतान का योग ध्वंस हो जाना, गर्भपात हो जाना, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को तनाव रहेगा ही। चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित हो तो संतान संबंधी तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर या मणि बंद रेखा पर तारा हो तो संतान संबंधी तनाव होता है। संतान के जिंदगी और स्थायित्व को लेकर तनाव रहता है। चंद्रमा का संबंध लग्न या 12वें भाव से हो तो संतान के विवाह संबंधी तनाव होता है। संतान का तनाव किन कारणों से रहता है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस तनाव से कैसे निपटा जा सकता है ये अब हम आपको बताते हैं। आप ये उपाय नोट कर लीजिए। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत अर्पित करने के बाद जल की धारा अर्पित करें। शिव तांडव स्त्रोत या शिव चालीसा का पाठ करें। संतान संबंधी समस्या खत्म करने की प्रार्थना करें। संतान संबंधी समस्या को खत्म करने के लिए आप इन उपायों को अपना सकते हैं। हमने तनाव से जुड़े ग्रहों और तनाव से बचने के उपायों के बारे में आपको समझा दिया। ज्योतिषियों की माने तो ये उपाय बड़े काम आते हैं।
आप भी उन उपायों को अपनाकर तनाव को दूर कर सकते हैं। तो आप अपनाइए इन उपायों को और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो जाए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।